मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर में आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने 2 जून को दोपहर 12:30 बजे पर पहुंचेंगे, जहां वे स्टेडियम में आयोजित लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को संबोधित करेंगे। आज गुरुवार को मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लेने छतरपुर कलेक्टर संदीप जी आर और पुलिस अधीक्षक अमित सांगी प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल पहुंचे और तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। कलेक्टर संदीप जी आर ने बताया कि मुख्यमंत्री छतरपुर गौरव दिवस कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर पहुंचेंगे और विभिन्न योजनाओं के तहत 700 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं दूसरी ओर छतरपुर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, यातायात व्यवस्था को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। कुल मिलाकर छतरपुर गौरव दिवस कार्यक्रम में आ रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लगातार जिले की जनता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय बरेठी, धर्मन पावर प्लांट, फ्लाईओवर सहित तमाम विकास के मुद्दों पर सवाल कर रही है। क्या इन ज्वलंत मुद्दों पर अब देखना होगा कि चुनावी साल में प्रदेश के मुख्यमंत्री छतरपुर आगमन पर क्या घोषणा करते हैं। दो को ये गर्व की विषय है कि वो हम लोग छतरपुर गौरव दिवस भी मना रहे हैं और मुख्यमंत्री लाठी बहना सम्मेलन अभी यहाँ पे हो रहा है, जो सारे लाठी बहनाएँ हैं उन लोग भी रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम छतरपुर में 12:30 से लेके 2:30 बजे तक की रहेगी और सारे छतरपुर वासियों को एक गर्व की विषय है। हम सभी लोग बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित हुए हैं जो छतरपुर के महाराजा छत्रसाल के जो वीर गाथा को लेके हैं, तो इसी तारतम्य सभी लोग इसमें भाग भी लेंगे और ऑनरेबल सीएम का विजिट भी रहेगा और सभी लोग का कार्यक्रम भी वो अभी फाइनलाइज हो रहा है। लगभग 700 करोड़ के जो है भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम सिलेटेड है, वो और शाम तक और जितने भी हो जाएंगे तो उसको अभी किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल के लिए लोगों के आने के लिए सुविधा सब प्लान्ड है और सारे बसेस ब्लॉक्स पे भी असाइंड है और उनके पानी की सुविधाएँ यहाँ गर्मी को देखते हुए कूलर्स, पानी की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था भी है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ट्रैफिक व्यवस्था भी मेटिकुलसली प्लान्ड है, जो हमारे एक्सीलेंस 1-2 ग्राउंड है, मेला ग्राउंड है, फिर पुलिस लाइन है, तो ट्रैफिक की व्यवस्था भी मेटिकुलसली प्लान्ड है ताकि लोगों को भी असुविधा ना हो और ऑनरेबल के मूवमेंट में भी स्मूथली रहे। स्वागत मंच शहर के विभिन्न जगहों पे डाले हुए हैं जिसमें लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री का भी स्वागत कर पाएंगे और उसी तरह में कल
सभी अपने साथी से ये रहेगी कि छतरपुर का गौरव दिवस को हम शान से मनाएं। हमारा छतरपुर है, गर्व का हमारे लिए दिवस है। कल छतरपुर के खान पान की भी यहाँ पे स्टॉल्स लगेंगे, जो मवे के टुकड़ी है और इत्यादि वेरियस हमारे छतरपुर की चीज़ों के बारे में या चर्चा भी हो, और हम सभी लोग गौरव दिवस को गर्व से मनाएं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का छतरपुर आगमन है, और उनके आगमन को देखते हुए जो सुरक्षा श्रेणी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त है उसके अनुसार यहाँ पे पूरी व्यवस्था रहेगी। और हमारा ये प्रयास है, तीन इसमें मुख्य वेन्यूज़ हैं। एक हेलीपैड है जो कि रेलवे स्टेशन के पास है, दूसरा स्टेडियम है जहाँ पे आम सभा है, और तीसरा रूट है जो कि हेलीपैड से लेके स्टेडियम तक है। तीनों जगह हमारी चाक चौबंद व्यवस्था है। और इसके अलावा ये भी हमें देखना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का रूट है, उसके अलावा जो अन्य हमारे ग्रामीण इलाकों से और दूसरे जिलों से भी जो वाहन आ रहे हैं उनको भी असुविधा ना हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन के पास एक पार्किंग है, जो स्टेडियम है इसके सामने जो दो स्कूल्स हैं इनके ग्राउंड में हमारी पार्किंग है, और सबसे बड़ी पार्किंग हमारी पुलिस लाइन में हमने बना रखी है। और इन पार्किंग स्थल तक जो इस सभा में लोग आ रहे हैं वो अपने वाहन ले आएंगे, जिससे कि उनको पैदल भी बहुत ज़्यादा ना चलना पड़े। और कुल मिला के हमारा यही प्रयास है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी बनी रहे और जो आम नागरिक हैं उनको भी मूवमेंट में किसी प्रकार की असुविधा की ना हो। पब्लिक आने की संभावना ये तो कल ही पता चलेगा, बाकी हमारा जो सुरक्षा का जो हमारी व्यवस्था है वो पूरी चल सकती है।